अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह यार। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह माशाल्लाह, द रेड इज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर स्किन, ऑन माय फेस इज इट? माशाल्लाह। मैंने कहा आज मैं जरा रंग बरंगा कुछ नहीं, माशाल्लाह, व्हाई नॉट, कलर्स तो अल्लाह ताला की देन है, बिल्कुल, बेशक रंग तो इतनी खूबसूरत चीज है। मैं जब छोटी होती थी ना, तो मैं हमेशा लव सबसे पूछती थी, आपके ख्वाब ब्लैक एंड व्हाइट हैं कि कलर्ड हैं? और जब मैं किसी बड़े से ये बात पूछती थी, तो फिर वो सोच में पड़ जाते थे कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा आज ख्वाब देखें तो फिर सोच के, फिर उठ के सोचिएगा कि ब्लैक एंड वो व्हाइट थे। तो कलर्ड है क्या? ब्लैक क्योंकि मैं बहुत ज्यादा व्हाई खुश होती थी कि मेरे ख्वाब कलर्ड हैं, तो मैं फिर सबसे पूछती थी, मेरे ख्वाब तो कलर्ड हैं, आपके ब्लैक एंड व्हाइट है कि कलर्ड है? इसलिए कि हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने में बड़े हुए, बिल्कुल। हाँ एंड लिटरली वाह नॉट इवन वन पर्सन एवर सेड दिस टू मी कॉन्फिडेंटली कि माय ड्रीम्स आर कलर्ड। दे यूज्ड टू ऑलवेज से, ओह वी नेवर थॉट अबाउट दिस। एक्चुअली आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि आर दे ब्लैक एंड व्हाइट और आर दे कलर्ड, बट माइन आर रियली विविड। लाइक इफ आई एम टचिंग समथिंग आई कैन एक्चुअली फील इट, इफ आई एम क्राइंग आई एम क्राइंग, देन आई यू नो आई कैन एक्चुअली फील। मेरे बड़े बहुत क्लियर ख्वाब होते हैं, तो काफी खौफनाक होते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यू नो बहुत So रियल लगते हैं। that means that your subconscious and your conscious mind is connected. So हाँ मैं चाहती हूँ कि कभी कभी वो डिस्कनेक्ट भी हो हो जाए। जाए, मुझे कोई इतराज नहीं होगा, मैं ख्वाब थोड़ी देर ऑफ हो जाए। नींद भी तो इसीलिए होती है ना, कि ताकि हम ऑफ हो जाएं, हमारे लिए मगर कितनी वो नहीं जिम्मेदारी। होते बार दफा ना ऑफ, वो चल रहा है अपना एक वाईफाई उसका। या बिल्कुल, वो इट्स प्रूवन बाय साइंस आल्सो, राइट, दैट अ पर्सन कैन डाई विद द लॉस ऑफ स्लीप रादर देन विद नो नॉट हैविंग फूड। सो इफ टू पीपल, या वन इज फेड एंड वन इज नॉट अलाउड टू स्लीप, देन दैट पर्सन विल डाई फर्स्ट हु इज नॉट अलाउड टू फर्स्ट स्लीप। या सो इतना जरूरी है सोना, सही टाइम पर सोना और उठना। एंड आई डोंट नो हु एम आई सेइंग दिस टू, आई थिंक आई एम सेइंग दिस टू माय सेल्फ फर्स्ट। हाँ, रिमाइंडिंग योर सेल्फ, बिकॉज मैं तो काफी डिसिप्लिन का अपने करने लगी हूँ अब ख्याल, लेकिन बड़े शहरों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही लैक ऑफ स्लीप है, और जिसकी वजह से इम्यूनिटीज भी लो होती हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा बीमार होते हैं, हमें क्रॉनिक बीमारियां ज्यादा होती हैं, स्ट्रेस ज्यादा होता है, तो ऐसे ही होता ये मसाइल तो हैं। है, और कराची में कितनी छोटी सी ज्यादा बात है, कराची में ज्यादा है। है, नाइट नाइट में जागना, इस्लामाबाद वगैरह आप जाएं, लोग जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ हाँ जाते हैं। हमारे इधर शहर में ज्यादा है, रात होती है, सारे बच्चे बाहर होते हैं, इवन स्कूल गोइंग किड्स, दे आर अवेक टिल 1 o'clock एंड 2 o'clock, तो फिर स्कूल में सो जाते हैं। कैसे? हाँ हाँ स्कूल में डोड़ुम उड़ुम कर रहे होते हैं डेस्क पे बैठ के। ऐसा ही मुझे ये होता है। समझ में नहीं आता, वैसे ये मुझे लॉकडाउन में एक बात समझ में आई कि अगर हम यही रूटीन जारी रखें कि अच्छा 5 बजे नहीं बाजार बंद होंगे, 7 बजे बंद होंगे, है ना, सूरज के साथ, सूरज की लाइट के साथ आपके बाजार बंद हो गए, आप कितनी बिजली बचा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। आपके यू आप नो, डेलाइट यूज करें, अभी भी तो हाँ 8 बजे खोल ही रहे थे ना, खोल लेते थे ना, तो अभी कैसे कर रहे थे? हाँ आदतें बदलने के लिए ये बहुत अच्छा हमें एक बहाना मिला है, बहुत सारी आदतें बदलने के लिए। हाँ मुझे लग रहा है कि हम सब इंतजार में हैं कि हम अपनी पुरानी आदतों पे वापस कब जाएंगे। एवरीबॉडी इज जस्ट वेटिंग के रूटीन हमारा, इसको रूटीन, जो हमारा बुरा रूटीन, वो कब वापस आएगा। कब वापस आए? मैं यही कह रही थी उस दिन, समबडी वाज इंटरव्यूइंग मी, तो मैं उनको यही कह रही थी कि हम कुछ ना, उनका क्या आपके ख्याल में क्या तब्दीली आएगी, हम क्या सीखेंगे? उनका हम कुछ नहीं सीखेंगे, क्योंकि सीखने का मादा ही नहीं है हमारे अंदर। आवर ब्रेन्स हैव नॉट बीन ट्रेन्ड टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, पास्ट अपना और दूसरों का भी। हम हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते, हम अभी रिसेंट किसी इवेंट से कुछ नहीं सीखते, हमने सीखने का मादा ही नहीं। वी वॉन्ट टू गो बैक टू वॉट इज कंफर्टेबल, हम अपने कंफर्ट जोन पे वापस जाना चाहते हैं, हम फमिलियर पे ही वापस जाना चाहते हैं, चाहे फमिलियर मेरे लिए कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, या बुरा क्यों ना हो, या उसने अभी तक हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाया, लेकिन हम इतने मेंटली वीक है, मैं तो समझती हूँ कि हम नई चीजों के साथ, हम नई तब्दीली, नई लर्निंग के साथ हम नहीं एडजस्ट करना चाहते। मगर सानिया, ये वाली जो तब्दीली जो अभी आई है, जो बच्चे रातों तक जागते हैं, ये भी एक न्यू ट्रेंड ही है। हम जब छोटे थे तो ऐसा नहीं था। 7 o'clock के बाद हमारे, मेरे अब्बू तो टीवी देखने भी नहीं देते थे हमें, कि आठ आठ बजे हाँ सब बेड में, और अर्ली उठ जा, अर्ली फ्रेश उठते थे, फ्रेश उठ के स्कूल जाते, हाँ
बच्चे तो आप उठ उसी कराची टाइम। में देखें, कराची में आप कभी भी सो के उठ जाएं, आप कभी फ्रेश नहीं फील करेंगे। तो ये बुरी आदतें भी तो बहुत रिसेंटली बनी हैं, तो हम चाहें तो बहुत जल्दी हम रिवर्ट कर सकते हैं। जितनी जितनी मतलब जितनी अर्ली ये आदतें बनी हैं, यानी पिछले समझ लें 2 डेकेड्स में ये आदतें बनी हैं, तो हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जेनरेशन टू जेनरेशन है, नहीं, हाँ, क्योंकि पिछली जेनरेशन में ये आदतें नहीं थी। एंड आई थिंक ये टेक्नोलॉजी के साथ, अब टेलीफोन है, रात को 2 बजे भी अगर आपकी आंख खुल गई है तो लोग उठा के टेलीफोन देखना शुरू कर देते हैं, ये मेरी भी आदत है, मैं खुद भी रात को आंख खुलती है तो मैं फोन चेक करती हूँ। सुबह उठते ही साथ सबसे पहले फोन चेक करती हूँ। मैं खुद सोचती हूँ कि ये गलत है कि उठते ही साथ नहीं करना चाहिए, कि सबसे पहला काम, मतलब मेरा मतलब है उठते ही साथ सब अपनी जरूरत की चीज करके फिर फोन चेक करते हैं। फिर फोन। हाँ, नाश्ता करना नहीं होता पहला कि चलो बैठ के पहले। ये तो आदतें बिल्कुल रिसेंटली बनी है और हमें इनको बदलना होगा, जरूरी है। और ये छोटे इफ यू बच्चे जो वांट, आ रहे हैं, जो 5-6 साल वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका है कि हम उनको शुरू से अच्छी आदतें डाल दें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री। जिससे मुझे याद आया कि मेरे फोन की बेल ऑन है, आज पहली दफा अचानक से बज पड़ेगा तो मैंने हम आज बंद कर थोड़ा लेट दिया। आए हैं, तो वी वांट टू आई वांट टू अपोलोजाइज टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे थे पीछे आवाज के, इस वजह से आई थोड़ा होप कि सा हम हाँ, लेट हैं। मेरे ख्याल में हमें जल्दी हुमेरा को बुला लेना चाहिए। बिल्कुल बुला लेते हैं, हुमेरा से आज बात करते हैं। और हुमेरा किरण की एम्बेसडर मदर है, और यहाँ जब किरण में क्लासेस होती थी मदर्स के लिए होती हैं, तो उन्होंने पढ़ा भी है यहाँ से। और हुमेरा से पूछ लेते हैं ना कि क्या बिल्कुल उनकी है लाइफ की स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम, आज सबने अच्छे कलर्स पहने हैं, कितना क्या अच्छा हाल है पिंक मेरा, और अच्छा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। अब मेरा सानिया और आप अब करें आपस में बातें और मैं बैक स्टेज से आपको सुन रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, मेरा क्या यस, सीन यू है आर वन ऑफ माय फेवरेट होस्ट एंड आई एम रियली हैप्पी टू टॉक टू यू लाइव। थैंक यू सो मच, आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आई लाइक कॉलिंग एवरीबडी गर्ल्स या ऑफ बिकॉज है ना, वी आर गर्ल्स एट हार्ट, क्योंकि इतनी सारी बातें एक दूसरे से करने का मौका मिलता है, सीखने का, सुनने का। आई थिंक दिस टाइम इज सो प्रेशियस है ना, या जब हम आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। क्योंकि हम मिलते हैं तो बहुत सारे लोगों से, लेकिन उन्हें सुनते नहीं है, और जब उन्हें सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा फील करते हैं कि उनके लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है, उनसे लगाव हो जाता है। और कितनी सारी मिथ ब्रेकिंग चीजें होती हैं, कितनी सारी जो हमें हमारे ख्यालात होते हैं या बने चले आ रहे ख्यालात हैं, वो बदल जाते हैं जब आप लोगों से बातें, आप कहते हैं अरे ये तो ऐसा तो नहीं है, ये तो इस तरह तो नहीं था, ये तो बिल्कुल अलग ही बात है कोई, और ये खवातीन तो इस तरह नहीं सोचती या इस तरह नहीं चाहती, या वो तो ये भी कर लेती हैं, उन्होंने तो ये भी कर लिया, इस उम्र में भी कर लिया। तो आई थिंक मेरे लिए तो बड़ा ये मिथ ब्रेकिंग भी एक एक्सपीरियंस होता है, जब हम स्पेशली व्हेन वुमेन आर टॉकिंग टू ईच अदर, है ना। अच्छा मुझे बताओ, जब ये किरण कितने साल पहले किरण में आई थी? मैं आई थी यहाँ 2014। 2014, 6 साल पहले। दैट इज अ लॉन्ग टाइम अगो। हाउ ओल्ड वर यू? व्हेन आई केम हियर हाँ, आई वाज 27। 27। और उस वक्त तुमने कितना पढ़ा हुआ था, क्या किया हुआ था? वेल आई एम ओनली मैट्रिक एंड स्टिल आई एम मैट्रिक, बट यहाँ पे जब मैं आई 2015 में थ्रू हमरा कि हमरा इज योर डॉटर। या हमरा इज माय सेकंड डॉटर एंड फ्रॉम बर्थ शी इज अ सिक चाइल्ड। सो व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर हर फॉर अ गुड स्कूल, सो मोस्टली मैं जहाँ भी गई तो सबने यानी उसे लेने से यानी डर रहे थे। एक तो उसकी ट्यूब थी, क्योंकि शी वॉजेंट नॉर्मल चाइल्ड ना, शी कांट ड्रिंक वॉटर,
वो एस्पिरेट कर लेती थी हर चीज को, फौरन खांसी हो जाए ना, पहले फौरन से पूरा अटैक। बताओ उसको डिसऑर्डर क्या है, बहुत मुश्किल सा नाम है, आई नो। या शी हैड क्रिको फेरेंजल एक्लेसिया, एंड व्हाट इज यानी दैट? इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज वेयर योर मसल्स हैज प्रॉब्लम विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्व्स। यानी कि जब वो पैदा हुई विद इन 10 डेज, मुझे लगा कि ये शी इज नॉट नॉर्मल, क्योंकि वो नॉर्मली फीड नहीं करती थी। जैसे ही वो फीड लेती थी ना, तो वो चॉक कर जाती थी और फीड फौरन से उसके नाक से आना शुरू हो जाता। सो मुझे डॉक्टर्स ने कहा इसे नमूनिया है, चेस्ट बहुत ज्यादा खराब है, बिकॉज ऑफ दैट शी कैन नॉट फीड। सो उसे नमूनिया का ट्रीटमेंट दिया गया 5 दिन, बट कोई बेहतरी नहीं। फिर मैंने इसे एक बहुत, बल्कि आप कहें कि टॉप फिजिशियन को दिखाया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इससे डबल नमूनिया। तो फिर इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई और लगभग इसे 12 दिन इंजेक्शन लगे, बट कोई बेहतरी नहीं, सेम कंडीशन सेम थिंग। देन न्यू मुझे बॉर्न बेबी नमूनिया, को इंजेक्शंस, न्यू बॉर्न बेबी को 12 दिन, नमूनिया। जब वो 22 दिन की थी, आई रिमेम्बर मुझे अपनी फैमिली में से किसी ने कहा कि विजिट डॉक्टर सईद, ही इज अ गुड फिजिशियन। तो जब डॉक्टर सईद को उसे दिखाया, क्योंकि मैं डॉक्टर्स को अपनी बात डिलीवर नहीं कर पा रही थी कि इसके साथ इन एक्चुअल होता क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम इसको ड्यूरिंग फीड ही होती थी, अदरवाइज शी वॉज नॉट। तो यानी मुझे फीडर बनाकर ले जाना पड़ा डॉक्टर के पास और उन्हें दिखाना पड़ा कि सी दिस विल हैपन। सो जब मैंने डॉक्टर सईद को यानी इसके सामने यानी उनके सामने इसको फीड करवाया, तो डॉक्टर सईद ने एग्जैक्टली जज कर लिया कि शी हैज प्रॉब्लम इन स्वॉलोइंग। तो उन्होंने टेस्ट मुझे लिख कर दिया, तो वो टेस्ट था बेरियम सोलो, जो हमने कभी सुना भी नहीं है, मैंने नहीं सुना फर्स्ट वर्ड। वो निगलने का एक टेस्ट है जिसमें बच्चे को एक दवा पिलाई जाती है और वो दवा जो है वो जब रेडिएशन पास हो रही होती है ना, तो वो दवा आप उतरता हुआ बच्चे के अंदर देख सकते हैं। देख सकते हैं। तो जब उसका बेरियम हुआ, तो उस बेरियम में एक चीज आई, ट्रेकिया एसोफेगस फिस्टुला। इस सांस की नाली और गिजा की नाली में कहीं कोई कनेक्शन है, एंड इट वाज विजिबल कि उसे देख के कोई भी डॉक्टर ये जज कर सकता था कि इसकी सांस की नाली और गिजा की नाली में कनेक्शन है। लेकिन जब फिर मैं से एनआईसीएच ले गई, एनआईसीएच वालों ने डायरेक्टली इसे एडमिट किया वो रिपोर्ट देखकर, और दूसरे दिन मुझसे कहा कि इसकी एक ओपन सर्जरी होगी व्हेन शी वाज ओनली 28 डेज ओल्ड। तो वो पूरी बाईपास जैसी ओपन चेस्ट सर्जरी, एंड हर वेट वाज 2.6। मुझे वहां पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी और मेरा दिल इस बात को नहीं मान रहा था, ये रीजन नहीं है तो स्टिल। डॉक्टर सईद ने भी कहा था कि सर्जरी होगी। डॉक्टर सईद इस्माइल किरण फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर भी हैं और वो गया, तो उन्होंने भी कहा था कि सर्जरी होगी। क्लियर हाँ, क्योंकि वो रिपोर्ट इतनी क्लियर थी कि उसे देखकर कोई, यानी हर डॉक्टर का यही राय थी कि ये ट्रेकिया एसोफेगस फिस्टुला है, सो इसके लिए सर्जरी कंपलसरी है। लेकिन जब मैं एनआईसीएच गई, उन्होंने इस सर्जरी की बात की, तो वो रात का टाइम था और मुझे बहुत बेचैनी होने लगी, जैसे सुबह इसकी सर्जरी है। मैंने ब्लड भी जमा करवा दिया, एवरीथिंग वाज रेडी। मैंने डॉक्टर सईद को कॉल की, और डॉक्टर सही यानी सईद एक वाहिद ऐसे पर्सन है कि उनसे मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बट मुझे अब भी और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कॉल करती हूँ और उनसे पूछ लेती हूँ, डॉक्टर सईद मेरे अपने साथ भी ये मसला हो रहा है, व्हाट टू डू। अब वो कभी ये नहीं कहते कि ये मेरा इशू नहीं है, क्योंकि ही इज अ पीडियाट्रिक फिजिशियन ना, उन्हें हाँ, अच्छी तरह गाइड करता है हमेशा हमेशा, और वो मुझे रास्ता दिखाते हैं कि हमारा यू हैव टू डू दैट, ये वाला टेस्ट करवा लो, यहाँ चले जाओ वहाँ। और हमरा के पूरे ट्रीटमेंट में, पूरे ओवरऑल शी हैड मल्टीपल सर्जरीज, ऑलमोस्ट सिक्स। तो सिक्स सर्जरीज।
ओवर हाउ लॉन्ग, कितने अरसे में? एक साल के अंदर 5 और एक जो है वो 2 साल पहले. हाउ ओल्ड इज शी नाउ? शी इज अल्हम्दुलिल्लाह 8. But 6 surgeries in a year, in, well, 5 in a year is a lot of surgeries. Yeah, it was, I can't tell you the terrible and tough time was my life. You know, you can't even, nobody can imagine what I suffered. Because believe me, when you had no money, एंड आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल रखने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपका बच्चा बहुत ज्यादा सिक है, वो किसी भी वक्त बेंड पे जा सकता है और किसी भी वक्त उसके साथ कुछ भी हो सकता है. सो यू हैव टू बी रेडी एवरी टाइम. तो यानी वो वक्त भी बहुत मुश्किल था. और मुझे अभी भी याद है जब मैं NICH में थी और उन्होंने मुझसे कहा कि कल इसकी सर्जरी है, मैंने शाम के वक्त डॉक्टर सईद को कॉल किया और मैंने कहा ये इस तरह से कह रहे हैं बट मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं किसी और सर्जन से एक और मशवरा लेना चाहती हूँ. तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मुझे एक हॉस्पिटल का और एक सर्जन का नाम बताया. उन्होंने कहा आप इस वक्त उनके पास जाएं, एक मशवरा कर लें क्योंकि मशवरा सुन्नत है और ये बहुत बड़ी सर्जरी थी. सो मैं वहाँ गई और मैंने उन सर्जन से बात की तो उन्होंने कहा नहीं ये तो ट्रेकी एसोफेगस फिस्टुला है ही, ये तो गर्ड है, ये चीज ही अलग है और ये बच्चा बहुत ज्यादा टाइम लेगा और ये वक्त के साथ ठीक होगा, हम इसके लिए आसानियां कर सकते हैं, इसको मुकम्मल ठीक नहीं कर सकते. सो मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा नो ये सर्जरी हो ही नहीं सकती क्योंकि इस बच्चे को ये डिजीज ही नहीं है. एंड आई वाज, उस वक्त मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मुझे क्या फैसला करना चाहिए, बट मैंने अपने दिल की सुनी और मैंने हमरा को फाइल के साथ ही वहां से रिसीव करवा लिया जना से रात में घर आ गया. और दूसरे दिन जाकर मैं उस हॉस्पिटल में एडमिट हो गई जहाँ का एड्रेस उन्होंने मुझे दिया था और वो कराची का एक टॉप का हॉस्पिटल है, टॉप के सर्जन है, वहाँ की फी भी बहुत ज़्यादा है. तो जब मैं वहाँ गई उन्होंने हमरा को एक फीडिंग ट्यूब लगा दी जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोस्टोमी, यानी वो डायरेक्टली ट्यूब होती है फ्रॉम योर स्टमक टू आप उसे फीड दो, क्योंकि ये वाला सिस्टम उन्होंने बिल्कुल रोक दिया कि हमरा को अब आप कुछ भी नहीं देंगे थ्रू ओरल, यानी पानी भी नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अपना सलाइवा जो है ना जो हमारी सीक्रेशंस होती हैं वो उसको भी सोलो नहीं कर पाती थी, वो उसे भी लंग्स में ले लेती थी और उसे नमोनिया हो जाता था. यानी कि बहुत, यानी एक प्रॉब्लम नहीं था जिस पे आप फोकस रखते. अब फिर क्या हुआ जब यहाँ से मैंने फीड देना शुरू किया वो फीड यहाँ से ऊपर आ जाता था, जब यहाँ से फीड देना यानी ये चीज कंट्रोल नहीं हो रही थी थ्रू मेडिसिन. फिर डॉक्टर सईद ने मुझसे कहा कि हमारा इसकी एक और हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फंडोप्लिकेशन. फिर मैंने इसकी दूसरी सर्जरी करवाई, वो पूरे यानी पेट की ओपन सर्जरी थी और काफी तवील सर्जरी थी. उसके बाद उसका एक ये था कि हमारा लाइफ टाइम के लिए उल्टी नहीं कर सकती, उल्टी नहीं आ सकती. तो जब उसकी वो सर्जरी हमने करवा ली देन उसने थोड़ा बहुत वेट गेन किया क्योंकि उसका खाना जो है डाइजेस्ट होने लगा, बट विद इन 6 मंथ वो सर्जरी भी बेकार गई क्योंकि उसके बाद उसका गर्ड उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था. फिर डॉक्टर सईद ने, मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम कब तक चलेगा, यानी इसका एक तो नमूनिया रुकता नहीं है, हर यानी हर 5 दिन के बाद इसको नमूनिया, हर 5 दिन के बाद इंजेक्शन, हर 5 दिन के बाद IV मेडिसिन, और यानी कि लियारी से मेरे लिए वो बड़े हॉस्पिटल जाना बहुत डिफिकल्ट था, बीमार बच्चे को लेके जिस जिसके ट्यूब लगी हुई है. और यू नो एक चीज है कि हमारे पाकिस्तान में जो चीज बहुत कम है ना, रेयर है, उस पे लोगों की तवज्जो भी नहीं है और उसके लिए सहूलियात भी नहीं है, क्योंकि हम जो मोस्टली मोटी मोटी बीमारियां हमें नजर आती हैं ना, तो हमारा हॉस्पिटल और हमारा मेडिकल अमला पूरा उसी के ऊपर काम कर रहा होता है, लेकिन रेयर चीजें भी हो जाती हैं. हमारे उस तरह रिसर्च और उस तरह अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है.
जो मैंने सफर किया, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि हमरा के साथ मसला क्या है। मुझे एक बात बताओ, मैं वाकई बहुत खुश, बहुत बहुत ज्यादा मैं इम्प्रेस हो रही हूँ इस बात से कि तुम्हें सब टर्मिनोलॉजी पता है, तुम्हें एनाटॉमी पता है, तुम्हें पता है कि सर्जरी के बाद क्या, तो तुमने खुद पढ़ा, स्टडी किया, डॉक्टर से तुमने ये सारी बातें कैसे समझी? यानी मुझे डॉक्टर साइको भी कहता है, वो डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ हमरा के साथ होने से पहले उसकी डिटेल जानती थी कि आप जो सर्जरी करने वाले हैं उसके नुकसान पहले मुझे बताइए, पहले उसके फायदे बताइए, और मैं पहले उसे यूट्यूब में देख लिया करती थी कि दिस इज व्हाट इट विल हैपन। एक मेडिसिन देने से पहले मैं उसके साइड इफेक्ट देखा करती थी, उसके इफेक्ट्स देखा करती थी, फिर डिसाइड करती थी कि आप इसके साथ ये करेंगे। और यानी कि एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरी जिंदगी मुश्किल तरीन हो गई जब हमरा की ट्यूब जो है, हमारे यहाँ ट्यूब के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जो यूरिन कैथेटर होता है ना, वो फीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो कैथेटर इतना हैवी होता है कि एक बहुत कम वजन बच्चे के लिए, जब उसकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो ट्यूब, क्योंकि बच्चा तो मूव करता है ना, आप उसको एक जगह पे टिका के नहीं रख सकते, तो हुई तो उसने हिलना जुलना शुरू किया, तो उसकी ट्यूब जो है वो हिलते हिलते उसका होल बढ़ता गया और उसमें से लीकिंग इतनी ज्यादा हो गई कि आप जैसे दे रहे हो वो साइड से लीक करके बाहर आ रहा। तो यानी उससे फीड देने का कोई फायदा ही नहीं था। अब मुझे डॉक्टर ने कहा कि एक चीज ऐसी है जो हमने पढ़ी है, हमने देखी नहीं है, वो चीज अगर आप अरेंज कर सकती हैं तो आपके बच्चे की जिंदगी आसान हो सकती है। मैंने उनसे कहा प्लीज लेट मी नो, तो उन्होंने कहा कि एक चीज आती है मिकी वन बटन जिसे कहते हैं, फीडिंग बटन है, वो काफी कंफर्टेबल भी है और यानी उससे बच्चा बिल्कुल इजीली मूव कर सकता है, आप उसको नहला सकते हो, क्योंकि मेरे लिए हमरा को संभालना बहुत मुश्किल, क्योंकि डॉक्टर ये कहते थे ये बच्चा मुस्तकिल हॉस्पिटलाइज रहेगा, आप इसे घर पे नहीं रख सकते, आपको अपना घर हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ये भी करेंगे, देन आई अरेंज ऑल मशीनरी, मेरे पास सब मशीनरी है जो उसके लिए उसको जरूरत होती थी। फिर वो बटन, जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि अब मुझे ये बटन मिलेगा कहाँ से, तो उन्होंने कहा जापान में मिले, कोरिया में मिले, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो, क्योंकि आई वॉज अ पर्सन हु एक्सेप्टेड ऑल चैलेंजेस। Are मैंने you कहा ओके, serious? आई We स्टार्ट, don't have it in Pakistan. नॉट इन पाकिस्तान, नॉट इन इंडिया, नॉट इन एशिया, इट केम फ्रॉम कैनेडा। Oh my goodness. एंड यू नो हाउ इट हैपन्स कि जब उसकी सर्जरी तो हो गई, अब उन्होंने, मैंने बटन के लिए, मेरे एक टीचर हैं मिस्टर अब्दुल रजाक, सो उनका लिंक है फॉरेनर्स के साथ, और इत्तफाक ऐसा हुआ कि जिनके थ्रू ये बटन आया उनके भाई डॉक्टर हैं, तो मैंने हमरा की एक पिक लेकर उनको सेंड किए, और मेरे जो टीचर हैं अब्दुल रजाक, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, और उन्होंने ये बटन विद इन 10 डेज वो मेरे हाथ में था, और मैं बिल्कुल सरप्राइज थी कि हाउ, यानी ये सब कैसे हो गया। एंड बिलीव मी, अल्लाह ताला ने बेशक मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी मुश्किल थी है, लेकिन उसके साथ 10 रास्ते आसानी वाले भी थे। बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरी इस मुश्किल जिंदगी को बेहद आसान कर दिया, क्योंकि तुमने और मैं इतनी डॉक्टर कोशिश से, की, या तुमने ऑफ कोर्स, इतनी कोशिश की, तुमने इतनी जिद्दोजहद की, क्यों नहीं भेजेंगे? मदद भेजेंगे भाई, आप कुछ करेंगे तो वो मदद भेजेंगे। या एंड यू नो द शॉकिंग थिंग वाज दैट जब वो बटन उस डॉक्टर ने देखा ना, सो यानी वो खुद कंफ्यूज भी थे और खुश भी थे, तो हाँ, दे उन्होंने वाज नॉट अ बिलीव्ड इट कि ये का आ गया, नॉट, ले आई यू आर मेंटल क्रेजी, औरत कहीं से ले आई और वो कहते थे डॉक्टर वाह सईद को भी कहते थे कि ये मदर साइको है, और डॉक्टर सईद उन्हें रिटर्न में कहते थे चाहे साइको है चाहे नॉर्मल है, हमें इसके साथ रहना है, और जब तक ये बच्ची ठीक नहीं हो जाती
हमें इसके साथ रहना होगा। और डॉक्टर सईद वो वाहिद डॉक्टर थे कि जिन्होंने यानी हॉस्पिटल नहीं देखा, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, हर वक्त यानी मेरे लिए अवेलेबल थे। और यानी फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया और हर तरह से, हर तरह से। हाँ, ये मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे इजाजत दो, ना जवाब देना चाहो तो नो प्रॉब्लम, कि ये इतना छोटी सी भी बीमारी किसी को हो जाए, द एक्सपेंस इज अनइमेजिनेबल। तो इतनी कंटिन्यूअस क्रॉनिक बीमारी में इतना फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से और कैसे मिला, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? नो 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 नो, दैट्स ओके। यानी कि पहले तो जब तक मेरे पास था आई स्पेंट, और जब मेरे पास नहीं रहा सो यानी उस वक्त भी मेरा फेथ यानी बिल्कुल स्ट्रांग था कि नो कुछ हो जाएगा। देन आई रोट अ लेटर टू सेंडोज कंपनी, जो हमारी कम्युनिटी की एक कंपनी है, वो हेल्प करती है यानी कि नीडी लोगों को, लेकिन वो हेल्प दूसरे यानी कंडीशंस में करती है। इस तरह की कंडीशंस में मुझे यानी अवेयरनेस नहीं थी कि वो हेल्प करेंगे या नहीं, बट आई ट्राइड टू, मैंने कहा हर रोड टू देम। और विद इन 10 डेज उनका आंसर आ गया कि वी आर रेडी। एंड यू नो, एक बहुत स्ट्रेंज चीज मेरे साथ इस दौरान हुई कि जब मुझे डॉक्टर सईद ने हमला की रिफंड, एक बार फंडो हुआ फिर दोबारा रिफंडो, यानी वो ऑपरेशन को दोबारा से रिपीट करना पड़ा। सो यानी उसके लिए मेरे पास पैसे ही नहीं थे बिल्कुल। अब मैं डॉक्टर सईद के जब रूम से बाहर निकली, आई वाज सिटिंग ऑन सोफा एंड लिटरली आई वाज क्राइंग। मैं बहुत कम रोती हूँ, बहुत कम। सो उस वक्त मुझे यानी मैंने अपने आप को बहुत बेबस फील किया कि व्हाट शुड आई डू। और मेरा एक वो था कि आई विल बेग बट मैं गिव अप नहीं करूंगी, मैं कुछ भी करूंगी बट मैं इसका इलाज कंप्लीट करवाऊंगी। एंड सडन एक लेडी आई और उसके साथ उनकी मैड थी, वो मैड को उन्होंने मेरे पास भेजा और वो मैड ने मुझसे पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। और मैं उस वक्त क्योंकि बिल्कुल अपने उसमें नहीं थी तो मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया, मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने उन्हें अच्छा आंसर नहीं दिया। देन शी वेंट, और जब वो डॉक्टर सईद के रूम से होते हुए चली गई ना, फिर डॉक्टर सईद ने मुझे अंदर बुलाया और कहा तुम्हारी सर्जरी का हो गया। शेयर जान, मेरे साथ मेरिकल्स, नो रियली, ऐसे ऐसे मेरिकल्स हुए और हमरा खुद मेरे लिए एक मेरिकल है, बिलीव मी, शी इज अ टाइप ऑफ मेरिकल चाइल्ड। वो मेरी स्ट्रेंथ भी है, मेरी वीकनेस भी है, एंड अच्छा, इस सारे अरसे में मुझे बताओ कि तुमने अपने हस्बैंड का जिक्र नहीं किया, वॉज ही विथ यू, वॉज ही स्ट्रगलिंग विथ ही वॉज, क्योंकि उनके लिए 1 in million। He never say no to me. I know him. यानी मैं चाहे कुछ भी करूं, he never say no to me. हमारा क्योंकि he believes that कि एक माँ के दिल में अल्लाह बसता है। वो मुझसे कहते हैं जो तुम्हारा फैसला होगा वो ठीक। He trusts me. क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए कि ये सर्जरी होनी है ये नहीं होनी है, क्योंकि डॉक्टर्स आपको बता देते हैं now it's up to you what you are going to do. क्योंकि मुझे ये भी कि आप इसे इंडिया ले जाएं फॉर द रिसर्च। मुझे एक हॉस्पिटल ने ये भी ऑफर दिया कि आप हमरा को हमारे हवाले कर दें, क्योंकि आप, या ऑफ कोर्स, क्योंकि हमरा की बीमारी जो है ना वो अननोन है ना, दे डोंट अंडरस्टैंड इट, डोंट कुड दे। अब आप ये सोचें, जब मैं इसे हॉस्पिटल ले जाती थी ना तो लोग फोटोग्राफी करना स्टार्ट कर देते थे, एंड यू नो व्हाई, वो ये कहते थे कि हमने इस डिजीज को पढ़ा है पर इस पेशेंट को कभी देखा नहीं, तो आज हमने अपनी हिस्ट्री में ये पेशेंट देखा है तो वो उसे कैप्चर कर लेते थे। एंड इट वाज द फीलिंग जो मुझे उस वक्त ये फील होता था कि यानी मैंने कभी इस चीज को यानी नेगेटिवली नहीं लिया,
मैंने हमेशा ये सोचा शायद अल्लाह ताला ने इसके लिए मुझे बेहतर चुना और मेरी जिंदगी का मकसद थे ना। और मैंने चैलेंज भी लिया, जिद भी लिया, मुझे लोगों ने डीमोटिवेट भी बहुत किया कि ये कैसी माँ है, बच्चे की सर्जरी पे सर्जरी करवा रही है, फायदा तो कुछ भी नहीं। तो आप उनको कुछ पता भी तो नहीं है कि क्या फायदा है या क्या, बाकी मुझे नहीं पता था कि क्या होगा क्योंकि मैंने कभी रिजल्ट का सोचा ही नहीं, क्योंकि जिंदगी और मौत तो मेरे इख्तियार में है ही नहीं ना, मेरे इख्तियार में तो कोशिश है। मुझे बात समझाओ मेरा कि एक चीज होती है जिसको ह्यूमन कैपेसिटी कहते हैं, टू वर्क, टू स्ट्रगल, टू स्ट्राइव एंड टू हैंडल स्ट्रेस, टू हैंडल पेन, इसकी लिमिटेशन तो होती है ना। अच्छा, और एक तो तुम हो खुद और साथ तुम्हारी बड़ी बेटी भी तो है और हस्बैंड भी हैं, फैमिली मेंबर्स भी हैं, उनके क्या, उन्होंने कैसे इसके, क्योंकि बेटी तुम्हारी, कितना फर्क है दोनों बेटियों में? 2 साल का सिर्फ, तो वो भी तो छोटी ही हुई ना, वो भी उस भी। हाँ, वो यानी छोटी ही थी, लेकिन एक चीज थी, मेरे हस्बैंड जो है ना, वो उनमें ममता बहुत ज्यादा है, मुझसे भी ज्यादा है। He is very soft and kind and brilliant father. I haven't seen a man like this. So, yani ki unhe hum har waqt hamdardi ki fikr rehti thi aur wo mujhse ye kehte the ki humara ye bhi hamara bachcha hai. Hame iski taraf ki tawajjuh deni hai. Aur maine ye cheez note ki ki is tamam dauraniye mein hamda pe bahut effect pada kyunki use ye laga ki mera sehatmand hona वो अच्छा नहीं है, यानी मेरी मदर उसी को कंसंट्रेशन देंगी जो बीमार है। तो उसे एक अजीब सी चिड़ सी हो गई थी अपनी बहन से, यानी बचपन से ही, और दोनों को साथ लेकर चलना, मैं क्योंकि मैं घर में नहीं रहती थी, मैं अगर एक दिन घर में हूं तो मैं 5 दिन हॉस्पिटल में हूँ, मैं एक दिन फिर घर में हूँ, मैंने ईदे भी हॉस्पिटल में किए हैं, रमजान भी हॉस्पिटल में किए हैं, और जैसे मेरी दुनिया ही हॉस्पिटल बन गई हो, बाहर की सराउंडिंग से मेरा कोई वास्ता नहीं, यानी मेरी लाइफ ऐसी है कि दिन कौन से हैं, महीने कौन से हैं, आई डोंट नो। मगर फिर बड़े बच्चे को ये कैसे समझा, अब वो कैसे, अब हाउ डस शी टेक द होल सिनेरियो, अब वो कैसे उसको हैंडल करती है? यानी कि अब वो इस तरह से हैंडल करती है कि जब मैं उसे किरण में लेकर आई, सो पहले तो मैं हमरा को लेकर आई क्योंकि हमरा को कोई और स्कूल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उसकी तमाम वीकनेसेस के साथ, क्योंकि हमरा को ट्यूब तो लगी हुई थी ना। सो हमारे यहाँ के लोग अक्सर यानी बीमारियों से, दर्द से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से दूर हटते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमरा एक ऐसा बच्चा थी कि मेरी फैमिली के अपने मेंबर्स भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते थे, क्योंकि ट्यूब निकल जाए, कुछ हो जाए, एंड हर मदर इज क्रेजी, सो यानी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था और मेरे लिए बहुत मुश्किल था किसी पे भरोसा करना। सो मैंने मॉम सबीना को एक लेटर लिखा था और 1 साल के बाद, और एग्जैक्टली जब हमरा 2 साल की थी, मुझे पता था कि 3 साल में एडमिशन होगा, तो मैंने 1 साल पहले ही लिख दिया था ताकि मुझे, और मैं देखना चाहती थी कि व्हाट विल हैपन। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ उनके साथ, एंड बिलीव मी फ्रॉम द ओपन हार्ट, उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लिया हमरा को, जिसे अपनी फैमिली भी नहीं देती थी, और उन्होंने न सिर्फ हमरा को लिया, उसे जिस तरह से संभाला पूरी टीम ने, मार्वलस, amazing, the teachers, the entire staff, और believe me, मैं खुद भी आती थी क्योंकि उसे फीडिंग के लिए मुझे आना पड़ता था, क्लास में रहना पड़ता था, एंड ये किसी भी स्कूल का रूल नहीं है कि वो आपको अलाउ करेंगे कि आप क्लास में आ जाए, बट मेरे प्रॉब्लम्स को देख कर, उन्हें अंडरस्टैंड करके सबीना आंटी ने जो स्टेप उठाया ना, वो शायद कोई और होता तो नहीं उठा।
उन्होंने मेरी जिंदगी में मजीद आसानियां की। और फिर जब मैंने देखा कि देखो इतना अच्छा एनवायरमेंट, वो तालीम वो इल्म किस काम का अगर वो आसानी पैदा नहीं करता। यही तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपनी रेजिमेंटेशन में डिसिप्लिन में ऐसे ही होनी चाहिए तालीम। भाई तालीम का काम है जिंदगी में आसानियां पैदा करना। सिर्फ तुम्हारे लिए आसानी नहीं हुई होगी, मैं सिर्फ सोचा जब बच्चे उसके साथ रहते होंगे हमरा के साथ और वो क्लासरूम में देखते होंगे, उन बच्चों की जिंदगियां बदल गई होंगी, उनके सोचने का तरीका बदल गया होगा। तो लिटिल किडीज छोटे छोटे वो उनका क्या रिस्पॉन्स था उसकी तरफ? दरअसल हमरा को क्लास में लाने से पहले सबीना आंटी ने एक खास तौर पर उनके स्टाफ को एक हिदायत कर दी थी कि इनकी बच्चों की जो मदर्स है ना, हमारी MYTs होती थी वंस अ वीक, तो हम अपने टीचर से मिलते थे। तो उस दौरान उन्होंने हमरा को लेकर तमाम मदर्स को गाइड कर दिया था कि ऐसा बच्चा हमारी क्लास में आने वाला है, तो वो मदर्स जाकर अपने बच्चों को ट्रेन करती थी। और जब वो क्लास में हमरा को देखते थे, वो जिस तरह से उसे, क्योंकि हमरा को बचाने वाला एक नहीं था, पूरी फौज थी, पूरी टीम थी। वो यानी जहां वो कदम बढ़ाती थी ना, तो उससे पहले रास्ता साफ हो जाता। यानी इस तरह से बच्चे उसका ख्याल रखते थे, स्पेशली समरीन सिनी, ये तमाम वो टीचर्स थे। कल हमने उसकी क्लास क्लास फेलो का भी की अम्मी का भी इंटरव्यू किया, फिजर की अम्मी का। अच्छा जब ये सब हो रहा था तो बीच में एक साथ और भी एक मसला शुरू हो गया, एंड दैट वॉज योर हस्बैंड्स डायग्नोसिस। वो कब हुआ? वो जब हमरा को भी ट्यूब लगी हुई थी, अभी उसकी ट्यूब रिमूव नहीं हुई थी, एंड मेरी जिंदगी नॉर्मल की तरफ आने लगी थी, तो उसी दौरान मेरे हस्बैंड को सीवियर हेडेक होना शुरू हो गया। सो पहले तो वो डायग्नोस ही नहीं हुआ कि क्या चीज़ है, क्यों हेडेक है। और जब विद इन अ मंथ उनकी एक आई बिल्कुल क्रॉस हो गई, उनका विजन डबल हो गया, उनके एक कान की समाज चली गई और उनका हाफ फेस फेशियल मोमेंट जो है वो ख़त्म हो रहा था। जब हमने दोबारा MRI को रिपीट किया तो उसमें कैंसर आया और बहुत फैला हुआ है कि उनकी आवाज भी चली गई। एंड माय हस्बैंड वाज माय ग्रेट सपोर्ट, क्योंकि मेरे लिए एक बीमार बच्चे को देखना, साथ में एक नॉर्मल बच्चे को देखना, और फिर तीसरा बंदा जो मेरी सपोर्ट है, ही इज माय बैकबोन, और वो बंदा गिर जाए सो हाउ विल आई सर्वाइव, मुझे नहीं पता। तो जब मैं इन तमाम प्रोसेस में थी तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आपके पास वक्त बहुत कम है, और उस वक्त भी मेरा फेथ बिल्कुल स्ट्रांग था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल और इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं कभी भी, ये एक शुरू से मेरी आदत है, मैं कभी भी नेगेटिव नहीं सोचती, आई ऑलवेज बी पॉजिटिव, नहीं अच्छा होगा, बिकॉज आई बिलीव Think positive, everything will be positive. और मेरे हस्बैंड के 8 साइकिल हुए कीमो के, एंड ऑलमोस्ट 40 रेडिएशन। 40? या ही वो 78 kg, नाउ ही इज 42। ही इज रियली वेरी वीक। एंड यू नो एक चीज थी जो सेम हमरा और ताहिर के साथ हो गई, वो बटन हमरा का भी था और ताहिर भी फीडिंग बटन पे आ गया। और मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि दो बंदों को सेम टाइम देखना, क्योंकि आप उनको भी फीड कराते हो। हमरा ने ओरल लेना शुरू तो किया था लेकिन उसका बटन रिमूव नहीं हुआ था, और फिर मुझे उस वक्त ये डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, अब मुझे ये बटन रिमूव करवाना है। तो मैंने हमरा का बटन रिमूव करवाया और ताहिर बटन पे थे, और अभी रिसेंटली यानी कि उनका बटन रिमूव हुआ है और वो ओरली माशाल्लाह लेने लगे हैं, आवाज़ भी थोड़ी बहुत बेहतर है,
यानी आई है, डिफिकल्टी है कि समझने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट है। तो बड़ी जो बेटी है आपकी, उसने देखा पहले बहन, फिर अब्बू, अब्बू से वो इतनी क्लोज थी, तो जब वो बीमार पड़े तो बिहेवियर में क्या बच्चे ने क्या, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे डील करे, बिकॉज एक तो अडल्ट है और उसके सामने एक मिशन है, यू नो, आपके लिए तो एक मिशन बन गया कि मैंने तो ये करना ही करना है। एक बच्चा जिस जो खुद भी अभी समझने की कोशिश कर रहा है, जो खुद आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके अटेंशन के लिए स्ट्रगल करता है, आपके यू नो, वो कैसे इसको हैंडल कर रहा है, मेरे लिए ये बहुत समझना मुश्किल है कि उसको कैसे ये बात समझ में आ रही होगी। इन एक्चुअल हमता जो है, यानी उसके बिहेवियर में तो बहुत ज़्यादा चेंज आया था, क्योंकि वो बहुत अग्रेसिव हो गई थी, हर बात पे गुस्सा। अब एक चीज़ थी, हिज फादर इज हर बेस्ट फ्रेंड ना, तो जब उसके फादर से वो बात करती थी और फादर जवाब नहीं दे रहे, उसे ये लग रहा है मुझे यहाँ से भी इग्नोरेंस से मिल रही है। सो और यू नो लिटरली मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वो बहुत रोते हैं। नॉर्मली हम आदमियों को रोता हुआ नहीं देखते, बट मेरे हस्बैंड जो है वो छोटी छोटी, जब मेरी बेटियाँ हंस भी रही होती है ना, तो उनकी हंसी को देखकर भी रोते हैं, वो खुश होते हैं। तो यानी हमदा के साथ पहले तो मैंने ताहिर से कहा कि आज के बाद से आप रोएंगे नहीं, और हमदा के सामने आप खुश रहेंगे, उनसे ये एहसास दिलाएंगे कि आप कंफर्टेबल हैं इस कंडीशन में भी। सो ताहिर ने अपने आप को मजबूत किया, और मुझे पता है बहुत जगह पर कमजोर होते हुए भी बहुत स्ट्रांग दिखना होता था, अपने हस्बैंड के लिए भी क्योंकि उन्हें भी सपोर्ट देना होता था, हमदा के लिए भी और हमरा के लिए, क्योंकि हमरा की जो टोटल दुनिया थी ना वो मैं थी। अब हमरा सेट हो गई थी तो मुझे ताहिर को देखना था, तो मुझे दोनों बच्चों को साइड पे करना था। अब मैंने हमदा को ये इम्प्रेशन दिया कि हमदा सी नाउ आई एम लीविंग हमरा टू, नाउ फादर इज सिक, वी हैव टू वर्क टुगेदर, अब हम तीनों को मिलकर काम करना है पापा के लिए, एंड हिज फादर इज वेरी लविंग। तो वो खुशी खुशी मेरे साथ 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 साथ, और दूसरा ये था ना कि यहाँ से मैंने DCTU से सारा को साथ ले लिया था, सारा ने हमदा के बिहेवियर पर बहुत ज्यादा काम किया, क्योंकि जहाँ उसे वक्त की जरूरत थी वो सारा देती थी, और वहां से वो मैं उसका फीडबैक सारा को देती थी, नाउ शी इज डूइंग बेटर, यानी अब ठीक हो रही है, अब थोड़ा बेहतर है। किरण घर में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी इतना लविंग केयरिंग, और वो है कि बच्चे को फील नहीं होता, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। तो वो जो वेलकमिंग वाला एनवायरनमेंट है ना, तो उसमें हमदा काफी कंफर्ट, सिक्योरिटी, टेंशन, ये तो बच्चों की बात है। एंड आई नो दैट नाउ शी इज डूइंग रियली वेल, एंड नाउ किरण ने उसको प्रिपेयर किया, और फिर अब वो दाऊद में जा रही है ना, yes. दाऊद पब्लिक में जा रही है। अब कौन सी क्लास में? When Hamra came here, she was in nursery, and when Hamda joined, she was in grade one. So through Kiran, yani यहीं पे Hamda को तैयार किया गया, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चों को तालीम बहुत अच्छी मिले, और जब मैंने Hamra के लिए बहुत धक्के खाए ना डॉक्टर्स के, तो मेरा एक ड्रीम था कि Hamda को मैं डॉक्टर बनाऊंगी और ये लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेगी। तो यानी मुझे ये लगा कि लियारी में रहकर, यानी कि यहाँ के स्कूल में रहकर, मैं उसे यानी अपने जहाँ मैं उसे देखना चाहती हूँ वहाँ तक नहीं पहुँचा पाऊँगी। सो थ्रू किरण, थ्रू सबीना आंटी, इसे पूरा प्रिपेयर किया गया, फिर से यहाँ से दाऊद भेजा गया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह शी इज डूइंग फाइन, शी इज इन ग्रेड फाइव। So you have three daughters. Yeah, एक अभी एक साल की हुई है। एक अभी एक साल की हुई है। Wow. You are one brave, mad woman, aren't you? You have another daughter to take care of now.
ये मेरे लिए एक और शॉकिंग न्यूज़ थी। गॉड ब्लेस यू यार, कहाँ से आती है इतनी ताकत, कहाँ से, क्या है सोर्स? योर स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन अल्लाह, जो आपको कभी गिरने नहीं देगा। एंड यू नो आई एम अ लिटिल नॉट टोटली मैड, मेरे पास कुछ भी ना, इट्स टोटली मैड, यू हैव सरेंडर्ड टू योर मैडनेस, मेरे पास कुछ भी नहीं होता बट मुझे करना बहुत कुछ होता है। मेरे पास पैसे नहीं है बट मैं इलाज बहुत अच्छा हॉस्पिटल से करवाऊंगी, एंड आई मीन इट। और हम ऐसे लोग या हुआ है। अच्छा पता है मुझे बड़ी इम्पोर्टेंट लगती है ये बात, मैं हमेशा इसको किसी न किसी तरह समझाने की कोशिश करती रहती हूँ, मगर तुम लोग तो जीते जागते इसके सबूत हो कि लोगों का जुड़ना, लोगों का एक दूसरे को एक्सटेंड करना, लोगों की कोशिश करना, लोगों का बात करना, लोगों का एक दूसरे को सुनना बहुत बहुत जरूरी है। देखो कहाँ कहाँ से हेल्प आती है आपको, लोग जो आपको जानते नहीं, जो आपको कभी दोबारा मिलते नहीं, आप उनको नहीं जानते, आपके पास इतना वक्त भी नहीं होता कि आप उनको बार बार शुक्रिया कहे, लेकिन उस वक्त वो आपको सिचुएशन में से निकाल देते हैं, एज इफ एक्चुअली गॉड हैज सेंट देम फॉर यू। किसी का उसी वक्त वहीं उसी जगह पर मौजूद होना, किसी का आपको एक तरफ इशारा कर देना कि यार वो स्कूल है वहां चली जाओ, यू नो ये सारी चीज जब जहां आपके लिए एक मुश्किल खड़ी है ना, तो वहां आपके साथ 10 आसानियां भी हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी परेशानी को किस तरह से लेते हो। एंड बिलीव मी, मैंने हमेशा हमेशा परेशानी को एज अ ब्लेसिंग लिया है, क्योंकि वो आपको चेंज कर रही होती है, उसमें आपकी ग्रोथ है। मुझे मेडिकल के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, इतनी क्या बिल्कुल भी नहीं थी। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मेडिसिन हो मुझे उसका डोज बनाना भी आ जाता है कि वेट के हिसाब से इसका डोज क्या बनेगा। और अरे यू कैन बी अ डॉक्टर, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो सारा कुछ, मैं तो हैरान रह गई हूँ कि आई मतलब कोई कहे कि यार मेरी मैं आई एम ओनली मैट्रिक, तुमने शुरू में कहा आई एम ओनली मैट्रिक, मगर उसके साथ ये सब कुछ तुमने समझा किया, योर नॉलेज ऑफ इट, द वे यू एक्सप्लेन इट इन द मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इट्स परफेक्ट। आप सीख जाते हो ना, क्योंकि वहां भी मैं, यानी एक चीज है आपकी लर्निंग हर जगह पे हो रही होती है, चाहे आप कहीं भी हो, अगर आप सीखना चाहते हो ना तो आप गलियों से भी सीख जाते हैं। और मैं चलते फिरते, यानी एक रूटीन है, और मेरी बेटी की भी आदत हो गई है कि वो साइन बोर्ड भी जो होता है ना, मैं उसे कहती हूँ पढ़ती भी जाओ, इनमें भी लेसन होता है। और वाकई होता है, हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जहां आप सीख रहे होते हैं। लर्निंग सिर्फ लिखाई पढ़ाई नहीं होती कि आपने यहाँ से लिखना पढ़ना सीख लिया, आपने इंटर कर लिया, आपने ग्रेजुएट कर लिया, आपने लोगों से क्या सीखा। और मैं घर में भी सीखती रही, यानी कोई भी दिन, मैंने किरण में एज अ एम्प्लॉय काम भी किया एक साल, और आई वॉज लाइब्रेरी इंचार्ज। एक तो बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट बुक्स के साथ आता है, और बहुत यू नो किरण एक ऐसी जगह है ना सानिया, जहां आप हर दिन हर वक्त सीख रहे हो, हर वक्त, यानी सीखने से मेरा यानी मतलब है कि कहीं आप प्यार करना सीख रहे हो, कहीं आप एहसास करना सीख रहे हो, कहीं आप सुनना सीख रहे हो, क्योंकि मेरे अंदर सब्र की बहुत कमी होती थी, मैं हर चीज का फौरी हल चाहती थी। जब हमरा बीमार नहीं हुई थी, और यानी मुझ में बिल्कुल सब्र नहीं था, मैं किसी भी चीज को यानी मेरे लिए किसी चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता था, और हमरा की बीमारी ने मुझे तब्दील किया, क्योंकि क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी में परेशानियां रखी ही आपके सुधार के लिए हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो आप सुधर, यानी हम कभी सुधरते ही नहीं। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी मुझ में क्या खामियां हैं, वो खुल के जब सामने आती है ना, जब आपके ऊपर कोई वक्त आता है,
अब बिलीव में मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है. मैं बहुत ज्यादा हाइपर हूँ, मैं बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाती हूँ, मैं डिसीशन फॉरन से ले लेती हूँ. ही इज वेरी काम, ही जस्ट लिसन्स. आई एम द हेड ऑफ माय फैमिली, यानी मुझे कोई भी डिसीजन लेना विदाउट परमिशन आई कैन टेक, बट ही लिसन्स एंड ही ट्रस्ट मी. और उनका जो ट्रस्ट है ना वो मुझे गिरने नहीं देता, वो हर बार मुझे कामयाबी देता. हाउ ब्यूटिफुल, हाउ ब्यूटिफुल. कुछ चीजों में, कुछ चीजों के ना होने से कुछ चीजें कितना साफ नजर आने लगती हैं. अगर ये परेशानियां ना हो तो रिलेशनशिप की ये खूबसूरतियां हमें नजर नहीं आती, हम इनको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं. इस वक्त ये हमारी स्ट्रेंथ बन गई है. एंड यू नो आजकल हमरा बहुत खूबसूरत बातें करने लगी है. वो कहती है कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक है ना, तो अक्सर लोग उसे देखकर डायरेक्टली जज कर देते हैं कि अच्छा ये वही बैठी है ना जो बीमार थी. तो मुझे थोड़ा सा उस वक्त अजीब लगता है कि क्या ये बोलना जरूरी है. हाँ, नहीं लेकिन और अक्सर कहते हैं ऐसा लोग. सो मैंने उसे बता दिया है कि यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड स्मार्ट गर्ल. जब उसे कोई भी कहता है ना कि ये कमजोर है, नहीं मैं तो खूबसूरत हूँ, शी सेज, उसका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है. और जब किरण ने भी आकर ना, यानी मुझे सबीना आंटी ने, क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा इंक्यूबेशन में रखती थी, तो मुझे सबीना आंटी ने कहा कि इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मुझ में कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, यानी मुझे थोड़ा सा पीछे हटना होगा. एंड आई सो इसने काम किया कि जहां मेरा पीछे हटना उसने अपना डिफेंस सीख लिया, क्योंकि हर वक्त तो मैं उसके साथ नहीं रह सकती ना. अब मैंने टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल दिया, हमरा यू हैव टू डू यू दिस दिस एंड दैट. अब वो अपनी हर चीज खुद से करती है. Believe me, when you meet her, you'll be happy. Wow. अच्छा मुझे एक चीज और बताओ कि जो ये सारा प्रोसेस होता है इसमें कभी कभी अपनी स्ट्रेंथ भी तो, अपनी भी तो एक तकलीफ है ना, वो उसके लिए कहाँ जाती हो, किसके पास, किससे बात करती हो? सबीना जी. ये तो इतना आसान है. Really, you know what happened to me? जब आप किसी बीमार के साथ रहते हैं ना, तो जो भी आपको कॉल करता है या मिलता है वो आपसे यही पूछता है कि ये बीमार कैसा है, वो ये नहीं पूछता कि आप कैसे हैं. एंड सबीना आंटी इज द ओनली पर्सन, शी आस्क मी हमारा हाउ आर यू. एंड बिलीव मी दैट सेंटेंस मैंने किसी से नहीं सुना था. एंड शी ऑलवेज फोकस मी कि हमारा, यानी वो मेरी जात के लिए फिक्रमंद होती है, क्योंकि अक्सर बीमार का ख्याल रखने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं. जो बीमार को टेक केयर कर रहा होता है ना उसके साथ कोई नहीं होता, और जो उसका एहसास करता है शी इज द पर्सन. और आज भी मैं अपने छोटे बड़े फैसले के लिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज करती हूँ, कॉल कर देती हूँ, हालांकि वो उनसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शी इज द पर्सन, शी विल हेल्प, शी नेवर से नो टू मी. यार ये कॉन्फिडेंस कितनी बड़ी चीज है. मैं जब वैसे सबीना ये कहना चाहती हूँ कि ये कितना बड़ा, ये कितनी बड़ी तकलीफ की बात होती है कि मैं किसी को किसी वक्त भी कॉल कर सकती हूँ, मेरी बात सुनी जाए. यार ये फेथ है ना, और ये उन्होंने दिया है. इन्होंने कभी नहीं कहा कि आई एम बिजी. अच्छा ठीक है, मुझे वो वाकया सुनाने तो मैं तरस रही हूँ. तरस रही हूँ, तरस रही हूँ. इसने जब ये कहा ना कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम थोड़ा उसको स्पेस दो बच्ची को, तो जब वो मेरे हमारे पास आई थी, कमजोर सी, दुबली पतली सी बिल्कुल, और उसका इम्यून सिस्टम भी लो था. कोई बच्चा अगर चलते हुए भी गुजर जाए ना तो वो गिर जाती थी, अगर उसका धक्का लग जाए, कंधा टच कर जाए तो वो गिर जाती थी. तो हमने सबको इसीलिए अवेयर किया था, बच्चों में एम्पथी बहुत आई, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे बहुत उसका ख्याल रखते थे. तो एक दिन
मैं भी वहां खड़ी हुई थी जहाँ ये स्विंग्स वगैरह हैं, और हुमैरा भी वहीं खड़ी हुई थी, और हमरा जो है वो स्लाइड पे चढ़ रही थी। ठीक है, अब मैं भी वहां खड़ी हुई हूँ, और ये अकॉर्डिंग जैसे ये एक माँ है ना कि ओहो ये अकेली स्लाइड पे चल रही है, ये कहीं गिर ना जाए, मैं देख रही थी कि शी वॉज एंक्शियस कि कोई। अच्छा, अब उसी वक्त हमरा के पीछे एक हमारा तेज तरार जो बच्चा है ना वो चढ़ा पीछे। अब वो तो सीढ़ी पे तेज तेज चढ़ता है, शी टेक्स टाइम टू क्लाइम दैट लिटिल स्टेप, और उसमें भी वो हुमैरा हमेशा पीछे खड़ी होती है, ध्यान रखती है कि गिर ना जाए, यू नो। तो जैसे ही वो बच्चा ऊपर जाने लगा ना, तो बच्चों की आदत होती है आगे जो स्लो चल रहा है ना उसको धक्का दे के ना खुद आगे जाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो वो बच्चा भी बहुत ऐसे ऐसे हो रहा था, मैं देख रही थी हुमैरा वॉज ट्राइंग टू कि मैं जल्दी से जाऊं और कुछ करूं, तो मैंने हुमैरा के आगे हाथ रख दिया, मैंने कहा लेट्स सी वॉट हैपन्स। तो हुमैरा ने मुझे कहा ये गिर जाएगी, मैंने कहा रुको, कहती है नहीं, बट देन शी हर्ड मी, उसने सुना मुझे, और हम खड़े रहे। अब जैसे ही ये हमरा ने स्लाइड की, तो पीछे जो बच्चा था ना वो 1 मिनट के लिए रुका भी नहीं, वो हमरा के पीछे एकदम पीछे पीछे ही स्लाइड कर गया। तो वो जाहिर है वो गिरी लुढ़कते हुए, हमरा क्योंकि हल्की है तो वो दूसरे बच्चे का पीछे से धक्का लगा, तो शी वेंट टम्बलिंग डाउन। उस वक्त एकदम से शी स्टार्टेड रनिंग, मैंने फिर इसके आगे हाथ रख दिया, मैंने कहा देखो तो सही होता क्या है। हमरा गौटा, उसने अपना वो फ्रॉक पहना हुआ था, उसने ऐसे फ्रॉक को झाड़ा और फिर वापस पीछे स्लाइड पे चढ़ गया। अरे वाह यार, इसने रोना शुरू कर दिया कमाल है। एंड शी जस्ट लाइक टंबल होके गिरी, मगर खड़ी हुई, और उसने यू आई मीन दैट अ सीन लिटरली, मैं भी रो पड़ी थी। ये भी नेचर जाहिर है इसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि क्योंकि ये बहुत प्रोटेक्टिव हो गई है ना उसके लिए, जाहिर है वो बहुत कमजोर थी पहले, उसका वो बटन लगा हुआ था तो वो उतर जाने का खतरा होता था, तो ये। लेकिन उसके बाद जब हमने खुद ने दोनों ने ये चीज देखी, मैं बहुत जगह ये रिलेट करती हूँ, ये वाकया मेरे मेरे जहन में ऐसे बसा हुआ है कि वो कैसे खड़ी हुई और फिर रोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से दोबारा स्लाइड पे पीछे जाने लगी। यही तो इसी तरह जब वो शुरू शुरू में हमारे पास आई थी, तो बिगिनिंग में हमारी डांस क्लास होती थी बच्चों के साथ, तो डांस बच्चे करते हैं तो सब जाने डांस करते थे, तो कभी भी हमरा नहीं करती थी, हमरा ना दूर से खड़े होकर ना बस ऐसे बच्चों को देखती थी। तो हम जब भी वीडियोस बनाते थे, क्योंकि मैं अक्सर हर क्लास में तो नहीं जा सकती हूँ, तो मेरी टीचर्स जो हैं मेरे लिए, मैं उनसे कहती हूँ जब भी बच्चे बहुत हंस रहे हो और डांस कर रहे हो और खेल रहे हो ना, वो वीडियो मुझे जरूर भेजा करो ताकि मैं। तो उस वक्त वो वीडियो बन रही थी, वो हमारी एक टीचर बना रही थी, और हमारा साइड पे खड़ी होकर यूं देख रही थी, एंड देन जस्ट समथिंग हैपेंड एंड शी वेंट राइट इन द मिडल ऑफ द चिल्ड्रन एंड शी स्टार्टेड गोइंग राउंड एंड राउंड। दैट वाज अ मोमेंट फॉर ऑल द टीचर्स, यानी उस वक्त वो जो उसकी क्लास टीचर थी, उसने शी वाज ऑल सो इमोशनल के वो उसने यूं अपना फ्रॉक पकड़ा हुआ था, उसने गोल्ड फ्रॉक था, उसने फ्रॉक पकड़ा हुआ था, उस दिन वो यूनिफॉर्म डे नहीं था, घर के कपड़े पहन के आए थे, उसने व्हाइट कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, और उसने फ्रॉक पकड़ा, शी स्टार्टेड गोइंग राउंड एंड राउंड। अब हमें डर भी लग रहा था जब ये घूम घूमती थी, हो गए होंगे सब। हाँ स्लोली स्लोली शी वॉज गोइंग राउंड एंड राउंड, और वो वीडियो हमारे पास वो रखी हुई है, वो वीडियो मैंने हमारे को भेजी भी थी कि देखो तुम्हारी बेटी डांस कर रही है। अमेजिंग मैन, क्या मोमेंट होगा वो। बस मैं आई और थिंक मेरा मेरा बताओ, वो जो तुमने मुझे बताया था कि कैसे डॉक्टर ने तुम्हें डिस्करेज किया था, जरूर बताओ। यस, एक वक्त ऐसा आया जब हमरा की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो उस वक्त डॉक्टर्स भी डिसअपॉइंट हुए ना, यानी उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप ये खुले जंग है, अगर आप लड़ सकते हो सो इट्स ओके, अगर वरना तो आप गिव अप कर दो। यानी कि क्योंकि एक चीज थी ना, आप हमरा को बार 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 बार, जब एक मैं से यानी एक दिन में 3 3 बार भी हॉस्पिटल ले जाती थी, क्योंकि एडमी यानी मुस्तकिल हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मेरे पास फैसिलिटीज नहीं थी, तो मुझे इसे बार बार ले जाना पड़ता था। तो वो डॉक्टर्स भी सम टाइम उससे एग्जॉस्ट हो जाते थे कि आयशा फिर आ गई, क्योंकि उस वक्त हमरा का नाम आयशा था मेडिकल उसमें, क्योंकि मेरे घर वालों ने फोर्स किया कि नाम तब्दील कर दो, तो मैंने नाम तब्दील कर दिया हमरा, बट आयशा एंड हमरा बोथ हर सेम इन मीनिंग। सो मुझे एक डॉक्टर ने ये कहा उस वक्त कि शी वॉन्ट सर्वाइव मोर देन 7, आप कितना भी जोर लगा लो शी वॉन्ट सर्वाइव। एंड ये वो वाहिद जुमला था जो मेरे जहन पे नक्श हो गया था,
यानी मुझे कोई चीज ट्रिगर नहीं करती थी सिवाय इस जुमले के, क्योंकि मुझे बार बार ये बात याद आती थी कि मैं कितना भी कर लूं, शी वॉन्ट सर्वाइव गोल्डन सन। जब इसका सेवेंथ ईयर था, बिलीव मी इन द स्कूल आई वॉज हियर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय एंड हमरा वॉज इन क्लास, सडन समथिंग हैपन टू मी, मैंने सब कुछ छोड़ा बिल्कुल एकदम से, क्योंकि समटाइम ये जुमला जब मुझे बार बार तंग करने लगता था ना, तो मुझे अपने सराउंडिंग में कोई और चीज नजर नहीं आती थी, और ये जुमला कितना हर्ट करता है एक मदर को कि आप कुछ भी कर लो ये बच्चा 7 साल से ऊपर नहीं जाएगा। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल डॉक्टर्स हु आर वॉचिंग, कि एक मदर के सामने, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ अ मदर, ऐसी भले वो हकीकत हो लेकिन बयान ना करें। ये बहुत तकलीफ से होता है एक माँ के लिए कि उसका बच्चा, यू नो यू कांट इवन इमेजिन, हम बीइंग मदर ये इमेजिन ही नहीं कर सकते ना, और वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल देते हैं कि यू नो बोलना चाहिए बट ऐसा जुमला नहीं। ये हमारे बहुत प्रॉब्लम है वैसे, पता है हमारे डॉक्टर्स को कम्युनिकेट नहीं करना आता, बिल्कुल नहीं आता उनको, बिल्कुल ये एथिक्स नहीं सिखाई जाती कि आपने अपने पेशेंट को कैसे, जो पुराने डॉक्टर्स हैं ना वो अच्छे हैं, जो पुराने डॉक्टर्स हैं उनको ये, आई थिंक उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा भी थी ये बात। अब आई थिंक आप ये जो नई वाली बात है ना कि नहीं आप टेल देम द फैक्ट्स, नहीं भाई यू आर अ हीलर, यू आर नॉट सपोज टू, आप किसी की, ये बहुत बड़ा जुमला है, आप किसी की हिम्मत, बिलीव मी, जब मेरे साथ मुझे स्कूल में ये जुमला याद आया था, सबीना आंटी नोज, कि उस वक्त मैंने हमरा की क्लास में जाकर क्या किया था और मुझे संभालना कितना मुश्किल हो गया था, शी केम, क्योंकि वो जुमला मेरे लिए एक चीज होती है ना, आप एक माँ के लिए, यानी उसे ये लगे कि ये सेवेंथ ईयर है, अब वो चीज उसके सर पे आके खड़ी हुई है, अब उसका खौफ जो है वो उसके साथ चल रहा है। When she crossed 7, हालांकि मुझे ये नहीं था कि मुझे डॉक्टर की बात पे यकीन था, बट दे आर डॉक्टर्स, दे नो मोर देन अस, हमें उनपे ट्रस्ट करना पड़ता है, एंड देयर अथॉरिटी, हम उनको एक अथॉरिटी फिगर की तरह देख रहे होते हैं। या ऑफ कोर्स, और उन्होंने जब ये चीज कर दी थी तो जब वो 7 क्रॉस हुई ना, तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना रिलैक्स फील हुआ कि अब मेरी बच्ची जैसे खतरे से बाहर, बिल्कुल अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि ये बहुत मुश्किल वक्त है, कि जब आपका बच्चा आपके सामने बीमार हो और बहुत ज्यादा तकलीफ में हो और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो उसमें, इवन यू कैन नॉट टच योर इवन ओन चाइल्ड, आप सिर्फ उसे देख रहे होते हो उस तकलीफ में, और जो आप पे गुजर रही होती है ना वो आप बता सकते हो ना बर्दाश्त कर सकते हो। सेम हैपेंड टू मी, मैंने हॉस्पिटल्स में बहुत सारी चीजों को तोड़ा है, क्योंकि आई कौन, मैं नहीं देख सकती थी अपने बच्चे को इस तरह, मैं जितनी उसके लिए आसानियां करती थी मुश्किलें बढ़ती चली जाती थी, और वो एक तवील आजमाइश थी, एंड लिटरली मैं अब तक उसकी थकन महसूस करती हूँ, वो जो 3 साल मैंने गुजारे हैं बहुत मुश्किल था। एक नहीं दो दफा अपने हस्बैंड के साथ भी, अपनी थेरेपी के लिए भी जाती थी। मैं थेरेपी के लिए तो नहीं जाती थी, यानी यही चीज कि सबीना आंटी ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपना माहौल चेंज करना होगा, एंड दैट वाज रियली नीडेड, और वो जरूरी था, क्योंकि एक ही माहौल में रहकर आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर आप में कोई पावर नहीं रहती डिसीजन लेने की, अब थक जाते हैं, और मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ। फिर मैंने सोचा कि मुझे यहाँ जॉब कर लेनी चाहिए, मुझे किसी तरह से भी किरण के साथ रहना है, यहाँ वक्त गुजारना है, बिकॉज इट इज द यू नो इट इज माई पीस कॉर्नर,
अच्छे ये से वो रहते बाहर हैं। बाउंड्री है कि जहां मैं आती हूँ ना तो एक मुझे इनर पीस मिलता है। एंड बिलीव मी टुडे व्हेन आई केम इन मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर में आ गई। दिस रियली इट मीन टू मी, बहुत मायने रखता है मेरे लिए। यहाँ से मेरी हीलिंग हुई है, मेरी ग्रोथ हुई है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। तो अब कहीं जॉब भी कर रही हो साथ साथ? नहीं इंशाल्लाह मैं दोबारा यहीं आऊंगी, क्योंकि यहाँ मैं से नहीं किसी तरह से जाना। भी यानी सबीना आंटी से और किरण से दूर नहीं जाना चाहती। यानी मैं यहाँ से कनेक्ट रहना चाहती हूँ, चाहे मैं कहीं भी रहूँ और किसी भी तरह से। यहाँ के लोगों से जो आपको सीखने में मिलता है ना, वो शायद आपको किसी कॉलेज में ना मिले, किसी यूनिवर्सिटी में ना मिले, किसी और जगह से ना मिले। अब जब बड़ी बेटी हमना ना हमना हमरा हमदा, हमदा बड़ी यस वाली हमदा है या छोटी वाली या हमदा फर्स्ट वन इज हमदा, सेकंड इज हमरा, एंड थर्ड वन इज मलाइका। है? ओ मलाइका। ओके 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 ओके। अरे तो उसका नाम क्यों एन से कर दिया? तुम सारे एच से हो। नहीं मुझे उसका नाम हुमैरा। हैया था, बट हाँ मैंने सडन चेंज कर दिया। अरे ऑड वन आउट हो गई वो। हाँ अच्छा मुझे ये बता कि अब जब वो जब अब तुम हमदा से बात करती हो और उसको ये सब कुछ बताते हो कि ये आज यू नो ना नाउ शी इज मच ओल्डर ऑल्सो, और अब जाहिर है सिर्फ एक पर्सनल लेवल पे बात नहीं होती होगी, और भी अब वो और बच्चों से मिल रही है स्कूल में। व्हाट डू यू टेल हर अबाउट द पर्सन दैट शी नीड्स टू बी? नॉट नॉट वॉट यू वॉन्ट हर टू बी, मगर जैसे तुमने कहा मैं चाहती हूँ वो डॉक्टर बने, बट द पर्सन दैट शी नीड्स टू बी। द पर्सन शी नीड्स टू बी, यानी बॉक्सर ये कहती है कि मम्मा मुझे आपकी तरह बनना वाह है। स्ट्रेट यानी वो मुझसे ये कहती है, उसे ये लगता है कि वो मुझे बार बार यही कहती है कि आप बहुत बहादुर हो, और वो मुझे ये कहती है कि मैं आपके जैसी ही बनूंगी। और जब उसके फादर को कैंसर हुआ था ना, तो उसने एक चीज तय कर ली थी कि मैं कैंसर का ही डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि कैंसर इज वेरी पेनफुल, यानी कि बहुत तकलीफ में होता है बंदा आफ्टर कीमो। और जब ताहिर घर में होते थे और वो उस तकलीफ में बच्चे देख रहे होते थे उनको, क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता था कि हमें बच्चों को बाहर ले जाकर और ताहिर को एक रूम में बंद कर दिया, यानी बंद करना होता था और मुझे अंदर रहना होता था और बच्चों को बाहर। बट कीमो में इंसान अपने आपे में नहीं रहता, और स्पेशली एक यंग बंदी को जब कैंसर हो जाए, और उसके लिए ये बात एक्सेप्ट करना खुद मुश्किल है कि क्यों। माय हस्बैंड वाज 32 इयर्स ओल्ड एंड ही हैड कैंसर, और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था कि उनको किस तरह से मैं कन्विंस करूं कि कुछ भी नहीं होगा। और यानी कि उन क्योंकि एक समझदार बंदी को समझाना बहुत मुश्किल है। एक बच्चे को तो आप जिस तरह चाहो टैकल कर सकते हो, बट एक बड़े इंसान को आप नहीं कर सकते। वो खुद समझ बूझ रखता है, फिर भी उनको दिलासा देना, उनको समझाना, और उनकी हिम्मत खुद की भी है, अल्लाह ने साथ दिया। और इन इस तमाम प्रोसेस में भी डॉक्टर सईद मेरे साथ थे, सबीना आंटी मेरे साथ थी, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारे इश्यूज नहीं है। सानिया बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ आपके बिल्कुल बराबर में आके खड़े हो जाते हैं, और यानी भले आपके पास ना हो उनका साथ आपको जो हिम्मत देता है ना, दैट्स वर्थ। इमेजरेबल। या इसका अंदाजा नहीं आप लगा सकते, इसका कोई तखमीना नहीं होता। एक जुमला कह देता है ना कि तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो जुमला के हमारा जो मैंने पूरे आप ये कह लो कराची का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो, जो जहां मैंने गई कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां मैंने सर्वे ना किया हो। चाहे आप
यानी लियारी से शुरू कर दो चाहे कराची के एंड तक चले जाओ, लेकिन मैंने वहां पे बहुत कम डॉक्टर्स को हाँ यानी कि ऐसा पाया जैसा कि होना चाहिए। और इस दौरान जो आज अगर डॉक्टर सईद ये देख रहे हैं, सो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि अगर हर डॉक्टर ऐसा बन जाए ना, तो लोगों की जिंदगी में बहुत आसानी आ जाए। ही इज द काइंड ऑफ मैन कि वो आपको रिफ्यूज नहीं करते, और अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी सलाहियतें दी हैं कि यानी मैं अपने हस्बैंड को लेकर ना कोई मेडिसिन का पूछूं तो वो कभी ये नहीं कहेंगे कि नो आई एम द पीडिया, यू नो ये मेरा तो शोभा ही नहीं है, आई हाँ एम नॉट ऑन्कोलॉजिस्ट आई एम अ फिजिशियन, कभी वो ऐसी ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे। वो मुझे एक नया रास्ता दिखाएंगे कि आपको ये करना है, यहाँ जाना है, एंड वो मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर सईद की लाइन है और ये मुझ पे फर्ज हो गई है, आई हैव टू डू दैट, हैव टू डू दिस नाउ। हाँ क्या क्योंकि बात भैया है। अगर आपको भी कभी इत्तफाक हो एंड यू मीट सईद इस्माइल, हम उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं, उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, बहुत लविंग है, केयरिंग है, सुनने वाले हैं। हमारे यहाँ सुनने वाले डॉक्टर्स बहुत कम हैं, वो सिर्फ सुनाने वाले होते और ये सुनते हैं। सुनने का पावर, द पावर ऑफ सुनना। आई थिंक वी शुड स्टार्ट अ कैंपेन, पावर ऑफ सुनना। सईद भाईजान जो हैं वो एक और बात ये उन्होंने, किरण में है सईद भाईजान जो हैं मेरे चाचा के बेटे भी हैं, फर्स्ट कजन, और वो मेरे कुरान के टीचर भी हैं। उन्होंने मुझे कुरान पढ़ाया है, मेरे बड़े भाई हैं। सो मैं छोटी थी जब उनके पास कुरान पढ़ने जाती थी, तो वो मेरे भी उस्ताद हैं, यूं समझ। वाह, तभी एक जैसे हैं, दोनों इज अ पीडियाट्रिशियन, बहन वो हमारे बोर्ड पे हैं और उनका बड़ा सपोर्ट है किरण को। बाकी फरिश्ता सिर्फ इंसान है। मेडिकल लाइन में तो वो हैं, लेकिन वो एक, वो कहते हैं ना, इतने टाइम से जितनी भी मदर्स आ रही हैं वो सब एक ही बात कह रही हैं, हमें अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है, बाद में डॉक्टर बने, बाद में इंजीनियर बने। तो डॉक्टर सईद जो है ना, वो पहले एक अच्छे इंसान है और बाद में। जजाकअल्लाह हुमैरा, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस विद योर स्टोरी। मच। और मैंने एज अ मदर, अगर मैं भी एक माँ होती और मेरे बच्चे छोटे होते, तो मैंने एक चीज तुमसे सीखी कि अपने बच्चों की हर हर सिचुएशन में इंटरेस्ट लेना चाहिए। जिस तरह तुमने तुमने कहा कि मैं उसके बारे में पढ़ती थी, मैं जो दवा देने से पहले उसके सारे साइड इफेक्ट्स पढ़ती थी, वो ये नहीं करती मदर्स। बल्कि इनफैक्ट एक दूसरे को जब माएं कहती हैं मैंने भी ये गोली खाई थी तुम भी खा लो, तो वो बस खा लेते हैं। तो हुमैरा जो है वो अपनी रिसर्च खुद करती है हमेशा। ये बहुत जरूरी है, बहुत जबरदस्त एक रैशनल सी इसने सजेशन दी है सबको कि मैं ऐसा करती हूँ, आप भी ऐसा करें। एंड आई थिंक ये कितना इम्पोर्टेंट है कि बदलते वक्त के साथ और बदलती सिचुएशंस के साथ आप अपने आप को एजुकेट करें। आजकल बहुत ये बात भी होती है ना, ये तो एक मेडिकल सिचुएशन थी ना, आजकल ये बात भी बहुत होती है कि बच्चों में और हम में बड़ा गैप है। अब इनसे हम क्या बात करें, ये तो इतनी टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व है, ये तो अब ये पढ़ रहे हैं, हमने तो नहीं पढ़ा है। तो भाई अपग्रेड करो ना अपने आप को। जब बच्चे हो जाएं आपकी जिंदगी में शामिल, तो बच्चाज हैव टू बी द प्रायोरिटी। इस एटीट्यूड के साथ अगर आप नहीं बच्चों को पालेंगे, तो हमेशा किसी न किसी तरह का डिसएडवांटेज रहेगा आपको भी और बच्चों को भी, है ना। आपको एक दूसरे को मैच करने में हमेशा परेशानी रहेगी क्योंकि अंदर बैरियर है आपके। एंड आई एम सो ऑनर्ड हुमैरा टू मीट यू टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस विथ योर स्टोरी, विथ योर इमोशन, विथ योर ऑल दिस दैट इज हैपनिंग इनसाइड ऑफ यू। वी आर सो ऑनर्ड कि आपने इस काबिल समझा कि आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि
हम ऐसे बोलते रहते हैं ना कि यार ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, इज नेवर इनफ। जब तक कोई आप जैसे शख्स को देखता नहीं है, आप जैसी माँ को देखता नहीं है, आप जैसे कंटिन्यूसली लर्निंग लर्न करते रहने वाले शख्स को नहीं देखता, तो उनको लगता है हाँ पॉसिबल तो है, पॉसिबिलिटी तो है। अब चेहरे पर ये इत्मीनान भी है, सुकून तुम देखो तो सही, है, तुम सुकून ना, she is such a beautiful है, एक लाइन भी नहीं है माथे पे, एक लाइन नहीं है। शुक्राना शुक्राना बहुत है इसमें, बहुत शुक्राना, बड़ी चीज है। हाँ बहुत माशाल्लाह। इवन इन द लाइब्रेरी व्हेन शी केम टू वर्क विद अस, जाहिर एक अच्छा वो स्टेप था कि तुम थोड़ा सा घर से निकलो, थोड़ा आओगी स्कूल, किताबों के बीच रहो, एक मुख्तलिफ थोड़ा चेंज होगा जहन, इसको अच्छा लगा बहुत। लेकिन जितना दौरान ये वहाँ सीनियर सेक्शन में थी, जहाँ पे एडोलेसेंस हैं हमारे सारे बच्चे, 14, तो ये तो कहने को तो ये लाइब्रेरियन थी, लेकिन शी वॉज मोर लाइक अ मेंटोर टू द किड्स। इसके पास छुपके छुपके बच्चे आके अपने दिल की बातें करते थे, और ये उनको बैठ के जो है ना मेंटोरिंग करती थी। शी शुड, अपने टाइम, जब तुम्हें टाइम मिले कभी मेरा, यू शुड गो इन टू कम्प्लीटिंग योर एजुकेशन साइकोलॉजी लेकर, बिकॉज तुम इंटरनली बहुत स्पिरिचुअल हो, यू विल बी अ वंडरफुल लिसनर, एंड उससे तुम्हें मजा भी बहुत आएगा जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, और इंशाल्लाह। तो जरूर करना, यू आर तुम फर्स्ट। अपनी प्रैक्टिस करना और हमदा अपनी प्रैक्टिस करेगी, या है ना? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वेरी नाइस, वाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से मदर्स की बातें ऐसी होती हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। फिर हम जज़ाकल्लाह, ओवर टाइम फिर ज्यादा चले गए, रोज हम एक्स्ट्रा बोल रहे हैं आजकल। मैं तो घड़ी की तरफ देखती नहीं, हालांकि यहाँ नीचे है वो, लेकिन मैं देखती नहीं उसकी तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। कल थैंक हम नहीं आएंगे सबीना, है ना, क्योंकि कल कल हम है हमारी। हाँ रात, कल जरा काफी जगहों पर खत्मे कुरान भी हैं, और हमने भी कल का दिन थोड़ा सा अपने लिए जान का सदका देने का इरादा किया है, और इंडस चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल के लिए हम ब्लड डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं रात को 9 बजे से रात के 2 बजे तक। तो उन इंडस से ही लोग आएंगे और वहीं पे बेड्स लगेंगे, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हम कम से कम 200 बॉटल्स तो ज़रूर उनको बना के दें। बच्चे इंशाल्लाह। जो है वहाँ पर उनकी डेथ्स हो रही हैं बिकॉज के खून नहीं मैसर हो रहा आजकल लॉकडाउन की वजह से, तो ज़रूर आए सब। लोगों को थोड़ी एक मिथ है जहन में कि शायद खून से ट्रांसफ़र होता है कोरोना, नहीं, खून से ट्रांसफ़र नहीं होता कोरोना, ये और सिर्फ वैसे भी सिलाई स्क्रीनिंग होगी, ब्लड की स्क्रीनिंग बिल्कुल होगी, तो होगी। और हमने जो पोस्टर्स पोस्ट किए हैं उसमें सारा क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है कि जब आप उस क्राइटेरिया पे अगर पूरे उतर रहे हो तो ही आइएगा, और बहुत दुआओं में याद रखिएगा। कल के दिन सबके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला ये आसानी करें, ये मुश्किल टाल दें जो हम पे आई हुई है, और कुछ कुछ नज़र आए हमें क्लियर क्लियर के हो क्या रहा है। अभी तो एम्बिग्युटी बहुत है, इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और फिर परसों से इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल एक नई सोच के साथ आएंगे। परसों से हम ला रहे हैं ऐसी हमारी यंग बच्चियां जो के बायोलॉजिकल मदर्स नहीं हैं, लेकिन पता नहीं उनके अंदर कूट कूट के मदरहुड भरा हुआ है, तो उन्होंने मदर्स के साथ बहुत गहराई से काम किया है। ये जितनी भी मदर्स अभी आई हैं इनके साथ, सबके साथ थोड़ा थोड़ा उन बच्चियों ने काम किया है, और सारा ने तो बहुत ज़्यादा किया है। तो सारा इंशाल्लाह आएंगी, शाजमीने आएंगी, और इंशाल्लाह अनीजे आएंगी। उन तीनों के बारे में हम पोस्ट कर देंगे कि वो कौन है। तीनों के लिए मदर का वर्ड और मदरहुड का वर्ड बहुत जिंदगी में बड़ा मायने रखता है। वो खुद ही बताएंगे कि वो इतनी केयरिंग और नर्चरिंग और इतनी छोटी छोटी मम्मीज हैं वो, तो माँ भी एक को तो कहते हैं हमारे यहाँ सब, तो वो ऐसी तबीयत की हैं वो, और उन्होंने माओ के साथ बहुत गहरा काम किया है। तो फिर उसके बाद हमारा ईद स्पेशल आएगा, विच इज गोइंग टू बी इंशाल्लाह सरप्राइज, और फिर देखते हैं हम इसको कहाँ तक ले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो स्टोरीज और बहुत हैं मदर्स की भी हैं, और हमारे पास इन लाइन दो ऐसे जेंटलमैन भी हैं जो के मदरहुड की जगह से काम करते हैं, तो वे गोना ब्रिंग देम आफ्टर ईद इंशाल्लाह। जैसे ताहिर को कहा हूँ मेरा ने, कि ताहिर उनके अंदर को बहुत ममता है। ममता है बिल्कुल, ऐसे हैं दो दो तीन लोग हमारे पास ही जो किरण में, उन्होंने वॉलंटियर किया है किरण में, बहुत डीपली काम किया है कि जो
कहीं कोई ममता है उनके अंदर छुपी हुई, तो उनसे पूछेंगे हम कि ये ममता कहाँ से आ रही है। जज़ाकअल्लाह हुमैरा, आप भी आगे देखिएगा जो लोग आएंगे उनको। अच्छा एक चीज, लोग ज्यादातर समझते हैं कल की ड्राइव, ब्लड डोनेशन ड्राइव के बारे में, लोग ज्यादातर समझते हैं कि आदमी करें ब्लड डोनेट, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है हीमोग्लोबिन 12.5 हो। आमतौर पे हमारे यहाँ खवातीन एनीमिक होती हैं, आयरन डेफिशिएंसीज होती हैं और तरह की डेफिशिएंसीज होती हैं, यूजुअली हीमोग्लोबिन 12.5 वो समझती हैं कि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो यंग लोग होते हैं उनका 12.5 हो सकता है हीमोग्लोबिन, तो प्लीज एक दफा चेक जरूर करें। और खवातीन भी ब्लड डोनेट कर सकती हैं, ये वाली मिथ भी तोड़ने की जरूरत है कि खवातीन ब्लड नहीं डोनेट करती। बिल्कुल, तो प्लीज जरूर आए। और अभी तक करती हूं, 13.2 है, सो हां, एंड आई एम 55, सो मैं, मुझे कोई महसूस कुछ भी नहीं होता। ये आदत मुझे हमें ग्रामर स्कूल ने डाली थी वैसे, बाय द वे। हां नहीं, महसूस तो कुछ होता ही नहीं ब्लड डोनेशन में, यही तो मुझे फनी बात लगती है। एक बोतल खून निकलने से कुछ नहीं होता बॉडी को। और मुझे, हमें उन्होंने डॉक्टर बारी ने बताया कि एक बोतल जो है उससे दो बच्चों की जान बच गई। जी बिल्कुल, कैंसर हॉस्पिटल में वन बॉटल कैन सेव टू लाइव्स, सो प्लीज प्लीज डोनेट। थैंक यू सो मच दोस्तों, खुदा हाफिज, परसों होगी मुलाकात इंशाल्लाह। थैंक यू मेरा, बाय।